नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खुलने पर अब दूसरे छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि आखिर बाकी क्लासों के लिए स्कूल कब से खुलेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी हम बाकी क्लास के लिए स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब तक वैक्सीन इतनी संख्या में लोगों को नहीं लग जाती जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, तब तक बाकी क्लास के लिए स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। नर्सरी एडमिशन पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि नर्सरी एडमिशन में थोड़ी देरी हमने की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल नर्सरी एडमिशन नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलने पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि CBSE की बोर्ड परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, ऐसे में हम अचानक बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमने थोड़ा कड़ा दिल करके और थोड़ा रिस्क लेकर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को परीक्षा देने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो उन्हें जल्द ही मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सब थोड़े नर्वस भी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।